हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पर। और आज हम आपको एक पुराना टॉपिक जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट हो चुका था, ये दूसरा पार्ट हम लेकर आ रहे हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं, तो सब लोग अपना पूरा फोकस बनाए रखें इस चीज पर। और आज जो है हम केवल एक तरीके के ऊपर बात करेंगे, उस तरीके का क्या नाम है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, उस तरीके का क्या नाम है, कंप्लीटिंग सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब इस तरीके के लिए हम लोग चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं इसको समझना। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा पूरा स्क्वायर मतलब क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर के टर्म में है। और इसको हम लोग उस साइड लेके के जा करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी आसानी से। तो वही करना होता है, हम लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया, 9 कर लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। और दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, इस तरफ स्क्वायर रूट लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू, दो वैल्यू आती है, प्लस का 3 माइनस का 3। ठीक है, दो वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारा माइनस 3 का भी स्क्वायर क्या हो सकता है, ठीक है, माइनस 3 का भी स्क्वायर हो सकता है, और इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, प्लस 3 का भी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब माइनस 3 का स्क्वायर होगा तो भी माइनस का साइन हट जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा 9, और जब ये भी होगा तो भी प्लस का साइन 9 आएगा, तो हमारा दोनों हो सकता है, स्क्वायर की बात हो रहा है इसीलिए। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट में माइनस का साइन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये माइनस 3 होता तो ये नॉट पॉसिबल है, इमेजिनरी नंबर हो जाती है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आप लोग आइए इस चीज को देखिए। तो हमारे ये क्या हुआ है कि स्क्वायर के टर्म में बदला तो बहुत आसानी से हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, बहुत आसानी से हो गया। अगर इसी को हम आपको ये कर देते हैं कि एक क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं कि एक क्वेश्चन होता आपके पास x माइनस टू या x प्लस टू ले लीजिए, जो भी कुछ भी आपको बन गया, ठीक है, का होल स्क्वायर और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू 0, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते, इसको आप लोग क्या करते, x प्लस 2 रख लेते, इसका होल स्क्वायर कर देते, उधर माइनस 4 था, उस तरफ जाके प्लस 4 हो जाता, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार जब प्लस वाला 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, और एक बार जब माइनस वाला 2 लेंगे तो माइनस 2 क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये दो इक्वेशन दो आ जाता। इसी हिसाब से ये कितना आसान हो रहा है ना, आपको लग रहा है कितना आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो ऐसे ही आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में तो लिखा नहीं रहेगा हर जगह, ठीक है, मुझे इस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में लिखा होता है, हमारा क्वेश्चन लिखा होता है एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल एक हम आपको बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक बता रहा हूँ लेकर के, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बदलते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा एक बार हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसे ब्रांड देते हैं, अगले साइड पर कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसमें a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हमारी क्या है, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, अभी खाली a ही देखिएगा, हमें जो भी गेम खेलना है इसी को बदलने के लिए खेलना है, इसको हमें अभी छूना ही नहीं है, इसको हमें मतलब इसको बदलना ही नहीं है, हमें केवल गेम खेलने के लिए केवल यही दो टर्म चाहिए, शुरू शुरू में है पहला टर्म और दूसरा टर्म। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको बदलेंगे किस फॉर्म में जानते हो, हम इसको बदलेंगे a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और आगे जो भी हमारा ये माइनस 5 है या जो भी कुछ भी रहेगा इक्वल टू 0, कुछ भी यहाँ पे जो कांस्टेंट हो हम k लिख देते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हमें बदलना है, किस फॉर्म में बदलना है, हमें हमेशा याद रखिएगा a प्लस या माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, माइनस किसी भी कांस्टेंट के फॉर्म में, इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें चेंज करना है।
तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान फॉर्मूला क्या होता है। हमारा इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस या माइनस का 2ab, अगर प्लस होगा तो प्लस 2ab, माइनस होगा तो माइनस 2ab, और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हमें बदलना होगा किन टर्म को, ये जिनके साथ हमें गेम खेलना है उन्हीं टर्म को, आगे वाले दो टर्म को। ठीक है, तो देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस या माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमें बदलना होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ये नंबर लिखा है, क्या लिखा है, अभी हम केवल इसी को लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को। ठीक है, इसको अगर हम लोग बदलें तो कैसे बदलेंगे, इसको ए स्क्वायर में, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, या x मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हमारी x है। ठीक है, तो ए हम मैंने लिख लिया x, x स्क्वायर मतलब ये हमारे क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब 2 लाना है हमें, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लेंगे, 2a, a हमारा कितना था, x था ना, x लिया, और b, b देखिएगा सबसे बड़ा गेम जो है वो b का ही है, तो b निकालने का सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका क्या है, कि जो भी यहाँ पर x का कोफिशियंट है 4, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है, 2ab, क्योंकि b का है तो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये क्या, b। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 2 1 2 2 2 4 आपको मिल जाएगा। तो आपको देखिए सबसे बड़ा इसमें गेम क्या था, b पता करना। ठीक है, इधर एक बार देख लीजिएगा, ये लिख रहे हैं सबसे बड़ा गेम हमारा क्या होता है, बी पता करना। मैंने क्या कहा था, बी जो भी हो, जो एक्स का कोफिशियंट हो, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो, उसको ले लीजिएगा आप लोग, उसको ले लीजिएगा, और जिससे आप 2 से हमेशा इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, हमेशा 2 से नहीं, कुछ भी नंबर आ जाएगा, अगर आगे यहाँ पे 3 लिखा होगा, ठीक है, मतलब ए के साथ अगर ए की वैल्यू हमारी 3 में होगी तो आप 3 से भी यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और 2 से तो हमेशा डिवाइड होगा, और 3 से भी डिवाइड कर दीजिएगा, ए की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, और ठीक है, लेकिन हमें जो भी बी बनाएंगे, हम लोग बी कैसे बनाएंगे, जो एक्स का कोफिशियंट होगा, जो भी एक्स का कोफिशियंट होगा, मान ले रहे हैं कि अगर हो रहा है तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बी बन जाया करेगा हमेशा। ठीक है, बी हमेशा बन जाया करेगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 4/2 कर दिया तो हमारा b बन गया, हमारा b क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो हमारा 4/2 मतलब b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। तो भैया हमें a स्क्वायर मिला है, हमें प्लस 2ab मिला है, हमें b स्क्वायर नहीं मिला ना, तो b स्क्वायर हम लोग अपने मन से ऐड कर ले रहे हैं, b हमारी वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो 2 का स्क्वायर हम अपने मन से ऐड कर लिए और 2 का स्क्वायर हम अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ताकि हमारा इक्वेशन में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं, देख उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या आ गया था, देख लेते हैं एक बार, ठीक, हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x into 2 प्लस 2 का स्क्वायर था 4 माइनस 4। ठीक है, ये हमारा जो बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख ले रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, कैसे लिख सकते थे, ax प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना टर्म तो हमारा होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लेकर के ax स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया, और माइनस का 4 बच गया। मैंने क्या कहा था, इसमें हमारे लास्ट में क्या था, माइनस का 5 था, उसको भी हम ला के यहाँ पे जोड़ दिए, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ से आप सॉल्व भी कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, अभी मैंने बताया था आपको पहले दो एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ से कैसे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2, दोनों तरफ हम वो ले लेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है, ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। तो हमारे क्या आ जाएगा, दो आंसर आएगा, प्लस का 3 और माइनस का 3 आएगा। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ से हम लोग एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, कि जब एक बार एक्स इक्वल टू प्लस का 3 लेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बचेगा, 1, और एक बार जब हम एक्स इक्वल टू माइनस का 3 लेंगे तो माइनस का 3 माइनस का 2 क्या आएगा, -5, यही हमारे दो इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हम इस पे क्वेश्चन आगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों को आज यही चीजें क्या होंगी, रट जाएंगी। ठीक है, इतनी बार आपको करेंगे
आपको ये सारी चीज रट जाएंगे। सबसे बड़ा रोल होता है इसमें बी पकड़ना, ठीक है। बी को आप पकड़ लिए तो समझिए सारी समस्या का समाधान हो गया। अब हम आपको एक आगे बता रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको आगे बता रहे हैं, उसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 3x², ठीक। इस क्वेश्चन को देखिएगा, जिसमें ए का कोफिशियंट 3 आ जाए, कुछ और हो जाए। 3x² - 5x + 2 = 0, इसको सॉल्व करना है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके और 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ का जो सबसे पहला जो टर्म है x² का जो कोफिशियंट, इसको स्क्वायर के रूप में बदलना होता है, ठीक है। तो स्क्वायर के रूप में तब बदलेगा, या तो हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर इसके साथ लिखा उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, या तो आप उसी नंबर को क्या करो डिवाइड कर दो उसी नंबर से तो भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। हम हमेशा डिवाइड करके चलेंगे तो इससे हमारा बी निकालना आसान रहेगा, ठीक है। हम क्यों डिवाइड करके चलेंगे, ताकि हमारा बी निकालना आसान हो, हमेशा केवल 2 से ही डिवाइड करना पड़े, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ, मतलब ऑन बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 3, वी गेट x² - 5/3x + 2/3 = 0, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x², ठीक है, हमारे क्या हो गई है x²। मतलब हमें इसको किस फॉर्म में बदलना है, पहले हम लिख दे रहे हैं a² माइनस है तो -2ab + b² के फॉर्म में इसको हमें बदलना है, ठीक है। इतनी चीज को जहां तक ये बवाला है x वाला वहां तक, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, a² मतलब x² - 2, ठीक है, 2 हो गया। a हमारा क्या है, x है। b हमारा क्या होता है, मैंने कहा था जो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में b हो जाता है, ठीक है। 5/3 हमारा हो गया, लेकिन हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/6 हमारा क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। अब हमने क्या था, b स्क्वायर लाने के लिए क्या करते थे हम लोग, ऐड कर देते थे बी के बी स्क्वायर मतलब बी को ऐड कर देते थे स्क्वायर के फॉर्म में, और बी को ही स्क्वायर के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट भी कर देते थे, ठीक है। और ये जो प्लस का 2/3 लिखा था, इसको हम लोग प्लस का 2/3 एज इट इज लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0 लगा के भैया इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जब बदलेंगे तो हमारा क्या देगा, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। a हमारा क्या होगा, x, और हमारा b क्या होगा, 5/6, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, और तो हमारा कहाँ तक टर्म चला गया, a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तक का सारा टर्म आ गया। अब बचा यहाँ तक का टर्म, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, तो +2/3 और माइनस का 25/36 = 0, ठीक है। तो अब उस तरफ लेके जाएंगे हम लोग, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब उधर जाएगा तो 25/36, 25/36 माइनस का 2/3, तो इसको 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 24/36 आ जाएगा। तो 24/25 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/36 बच गया, ठीक है। तो हमारा अब क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो x - 5/6 का होल स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/36। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, x - 5/6 = 1/6, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का आएगा, ठीक है। जब प्लस का 1/6 लेंगे तो देख लीजिए, ऊपर है कोने में कर ले रहे हैं एक बार, ये जगह थोड़ा सा ये अगले स्लाइड में कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या आ गया हमारा, x - 5/6 = + - का 1/6, ठीक है, एक बार माइनस का 1/6 ऐसे करके आएगा। तो x इज इक्वल टू, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1/6 लेंगे तो यहाँ पे -5/6 था, उधर जाएगा +5/6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6/6, ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 1, ठीक है। दोबारा x इक्वल टू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1/6 लेंगे, यहाँ पे जाएगा प्लस का 5/6 हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा हमारा 4, 4/6 हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो ये हमारे केसेस थे, मैंने आपको दो केस समझा दिए हैं, जब एक्स का कुछ भी कोफिशियंट हो तब कैसे करेंगे, और जब एक्स का कोई कोफिशियंट नहीं हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स का कोई कोफिशियंट होगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे आसानी से, तो इससे हमारी चीज आगे हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। आप लोगों के लिए मैंने दो क्वेश्चन लेके आए हैं और इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइप के हैं और अलग ही चीजें बताते हैं। यहाँ से हमारा एक अलग चीज भी प्रूफ होके आएगा आगे, उसको हम देख लेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, कि 2x²
माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया चारों तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर था तो ए, ए हमारा क्या है, एक्स हो गया है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी मैंने क्या किया था, सेवन बाई टू लिख लेना, और यही जिससे डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर लेना, तुम्हारा बी क्या आ गया, सेवन बाई टू, टू जा फोर, सेवन बाई फोर आ गया। ठीक है, तो इसी के बी स्क्वायर को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, और इसी के बी स्क्वायर को हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और जो हमारे पास पहले से लिखा था थ्री बाई टू, इसको लिखे रहेंगे इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए नीचे, हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बना, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सेवन बाई फोर था। ठीक है, एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, तो सेवन बाई फोर था, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा सेवन बाई फोर, तो हमारा हो गया सात सौ उनचास बटा चार चौक सोलह माइनस का उधर आ जाएगा तीन बटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे सोलह, यहाँ पे आठ से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे से भी आठ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा हो गया आठ तरीके चौबीस, और उनचास हमारा क्या बचेगा, पच्चीस बचेगा। ठीक है, पच्चीस चौबीस उनचास होता है। ठीक है, तो पच्चीस बचेगा, पच्चीस बटा सोलह बचेगा, ये आ गया हमारा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर बराबर कितना आया था, 25 बटा 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे भैया हम, तो आ जाएगा x माइनस सेवन बाई फोर इज इक्वल टू पाँच बटा चार। ठीक है, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार जब प्लस का हम लोग लेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये सात बटा चार यहाँ माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस का पाँच बटा चार मतलब बारह बटा चार। ठीक है, और बारह बटा चार मतलब क्या आ गया, तीन। ठीक है, इसी के लिए एक बार अगर x इक्वल टू माइनस मत भूलेंगे, तो यहाँ पर था ये सात बटा चार जाएगा, वहाँ पर प्लस में ही रहेगा, माइनस का लिखेंगे, माइनस का पाँच बटा चार हो जाएगा, तो बचेगा दो बटा चार, और दो बटा चार की वैल्यू कितनी होती है, एक बटा दो, हमारे ये आंसर आ गया, और कहानी इसकी क्या हो गई, खत्म। ठीक है, कहानी खत्म, आंसर आ गया। आई होप आप लोगों सबको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा ये सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, और इसको हम समझेंगे एक बार पहले इससे, फिर इसके बेसिक मेथड पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक मेथड पे जाएंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इनको आते हैं फिर से, देखिए इस बार जो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी प्लस का एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो टू एक्स स्क्वायर है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे सबको पहले टू से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस फोर बाई टू लिखेंगे, टू आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो ए हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए मतलब एक्स, और बी हमारा क्या, वन बाई टू, वन बाई टू का टू शो कर दिया, हमारी बी हो गई क्या, वन बाई फोर, इसी का वन बाई फोर का स्क्वायर ऐड करेंगे, वन बाई फोर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इक्वल टू सॉरी प्लस टू भी था। ठीक है, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हमारे क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या आएगा, वन बाई सिक्सटीन, और प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारा उधर जाएगा, तो x प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जब जाके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का वन बाई सिक्सटीन माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का टू प्लस का वन बाई सिक्सटीन, ये हमारा क्या आ जाएगा, सोलह दोनों बत्तीस, माइनस का बत्तीस प्लस, तो ये आएगा माइनस का इकतीस बटा सोलह आएगा। ठीक है, तो हमारे ये अब देखिए क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं एस की पावर ये स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन अपॉन सिक्सटीन, इसका भैया स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग माइनस की वैल्यू नहीं रखते हैं, ये नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है, ये आंसर क्या आएगा हमारा, नॉट पॉसिबल, या तो आता है इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे, और बहुत अच्छे समझाने जा रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, मैं एक बार उसी का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ठीक, उसी पर समझा देते हैं, हटाइए। तो इसी के कॉन्सेप्ट से एक डिराइव होता है फार्मूला हमारा। ठीक है, एक बार इसको अच्छा ठीक है इरेज कर ले रहे हैं, आप लोगों को देखना हो तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं, फिर समझाएंगे अच्छे से। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, जनरल फॉर्म में लिखा, जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो या तो इसे मल्टीप्लाई कर दें या तो डिवाइड कर दें,
तो जब हम डिवाइड कर देंगे ऐसे तो हमारे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब अगला स्टेप हम लोग क्या करते थे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मतलब इसे स्क्वायर रूट में बदलते थे। तो ए स्क्वायर ए हमारा एक्स है प्लस टू ए बी टू एक्स, और बी हमारा जो होता था उसी को जो टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड भी कर देते थे। ठीक है, तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई, टू बाई ए आ गया। ठीक है, इसी का स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वेशन बैलेंस रहती है। ठीक है, तो इसी का मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल गया। ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी बाई टू है, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में ये बदल गया और माइनस हमारे क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको अगर हम परफेक्ट इसमें बदलेंगे स्क्वायर रूट में तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा हमारा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस का माइनस का सी अपॉन ए। ठीक है, जिसको हमें फोर ए स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर हम फोर ए से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी फोर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एक आ जाएगा ऊपर आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन नीचे क्या आ गया हमारा, फोर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब वो साइड लोग क्या कर लें तो अंडर रूट ले स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, एक्स माइनस एक्स प्लस बी बाई टू ए, हम वो साइड स्क्वायर रूट लेंगे इधर का भी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन नीचे वाले का करेंगे तो फोर का आएगा टू, क्योंकि हम जानते हैं टू टू से फोर होता है और ए स्क्वायर का जाएगा ए, तो हमारे ये आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यू आती है हमारी, किसकी आती है, प्लस की भी आती है और माइनस की भी आती है। ठीक है, तो हमारा जो ये पूरा कंडीशन बना ना हमारा, अब देखिए जो हमारे कंडीशन बना है अभी दिखा रहे हैं, पहले एक्स वैल्यू पूरा निकाले आप लोगों को। ठीक है, तो एक्स वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारा, एक बार बी बाई टू इधर प्लस में था तो इधर क्या आएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस बी अपॉन टू ए, और इधर का एक बार प्लस वाला कर लेते हैं, प्लस माइनस दोनों एक साथ ही ले ले रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस दोनों एक साथ लेंगे लेंगे तो इधर हमारे क्या बचा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, दोनों में एलसीएम कॉमन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन का टू ए। ठीक है, तो जो भी हमारे कंडीशन बनती है ना यहीं से, ये कंडीशन हमारे ये कहता है कि हमारी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के। ठीक है, ये हमारा आ जाता है और ये जो हमारा एक इक्वेशन बन के आया है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगला हम लोग जो क्लास रखेंगे अगले के अगले वाले क्लास में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले क्लास में बड़ा प्रॉब्लम लाएंगे। ठीक है, उसको कुछ डिस्कस करेंगे फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोला जाता है श्रीधराचार्य। ठीक है, क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है, श्रीधराचार्य नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, ये आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क में है। ठीक है, आप लोग करिए इसको और अगली क्लास में इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम जरूर डिस्कस करेंगे और जितने भी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, तो आप लोगों को हम ध्यान रखते हुए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है अच्छे बुक से भी उठाएंगे। ठीक है, आर्य शर्मा से भी उठा सकते हैं, आर्य अग्रवाल से भी ले लेंगे, कुछ एनसीईआरटी से भी ले लेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने को मिले और छह से सात क्वेश्चन ही हम लेकर आएंगे। ठीक है, पिछले अगली क्लास में हम आएंगे आपको लेकर के इसके वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो श्रीधराचार्य के नियम पे, थोड़ा सा उसके बारे में बात करके और ग्राफ के बारे में बात करके इस लेसन को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहला जो हमारी क्लास थी फैक्टराइजेशन की, जो दूसरी हमारी क्लास थी आज की क्या थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। आप हमारी इस वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हम लोग आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं और आप लोगों को जरूर उसकी सुविधा प्रोवाइड आएंगे। आप लोगों को यहाँ तक भी हेल्प दी जा सकती है, आप लोगों को व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या फोन से भी डायरेक्ट बात करके आप
वो सारी चीजें समझाई जा सकती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, तो बस आज हम यहीं अपना सेशन समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।